हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले विश्व के पांच सबसे ताकतवर नेताओं की, और आपको जानकर गर्व होगा कि इन पांचों में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल है। वैसे तो दुनिया में लगभग 7.5 बिलियन लोग रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को बदलने का मादा रखते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकन पत्रिका फोर्ब्स हर साल दुनिया के सबसे पावरफुल पर्संस की लिस्ट जारी करती है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन पे इस सूची में आते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पूरी दुनिया के लिए खौफ का नया नाम बनकर उभरे हैं पुतिन। चाहे अमेरिका हो या चाइना, सब रूस से खौफ खाते हैं। अमेरिका के खिलाफ हर मोर्चे पर खौफ का आतंक बनकर उभरे हैं व्लादिमीर पुतिन। हाल ही में ईरान व अमेरिका के बीच बात इतनी बढ़ गई थी कि युद्ध का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन पुतिन के ईरान के साथ खड़ा होते ही अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। अभी अगर हम रूस की पावर देखें तो व्लादिमीर पुतिन की वजह से पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हम बात करते हैं, इस सूची में नंबर दो पर आते हैं चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अभी के समय में शी जिनपिंग विश्व में पुतिन के बाद सबसे पावरफुल लीडर माने जाते हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही जिनपिंग ने विश्व के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। अमेरिका और चाइना के बीच हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, और जहाँ चीन हर साल एशिया कॉन्टिनेंट में अपनी दादागिरी दिखाता रहता है, हाल ही में चाइना ने रूस के साथ काफ़ी अच्छे रिश्ते स्थापित किए और दोनों ने व्यापारिक संबंध बेहतर बना लिए हैं रूस और चाइना ने। अब हम बात करते हैं, इस सूची में नंबर तीन पर आते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। सूत्रों की माने तो रियलिटी में यूएसए प्रेसिडेंट की साख काफ़ी हद तक गिरी है। कई मौक़ों पर ट्रंप को मात खानी पड़ी है, चाहे ईरान वाला हाल ही का इश्यू ले लो, अमेरिका की उसमें बहुत फजीहत हुई है। फिर भी अगर देखें तो विश्व के टॉप थ्री पावरफुल लीडर में ट्रंप अभी भी बने हुए हैं। कई मौक़ों पर चाइना को पीछे हटने पर मजबूर किया है ट्रंप ने। उस बेसिस पे अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर ट्रंप की पावर अभी बरकरार है। अब हम बात करते हैं इस सूची में जो नंबर चार पर आते हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सुनकर प्राउड फील हो रहा होगा, होगा भी क्यों ना, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं में नंबर चार पर जो आते हैं नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत स्थिति कायम रखी है। चाहे हम डोकलाम वाला इश्यू ले ले, जिसमें चीन को मुंह की खानी पड़ी थी और मजबूरन अपनी सेना को पीछे हटाना पड़ा था, मोदी ने आतंकवाद व पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर पूरे विश्व को मजबूती से काम करने में अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही है। मोदी ने पूरे विश्व को भारत की ताकत का एहसास करवाया है। आगे अब हम इस वीडियो में नंबर पाँच पर बात करते हैं एंजेलो मर्केल की। दुनिया की सबसे पावरफुल महिला एंजेलो मर्केल का इस सूची में पांचवां स्थान आता है। जर्मनी के चांसलर पद पर 2005 से काबिज एंजेला मर्केल दुनिया में मजबूती से अपनी शक्ति दर्ज करा रही है। शक्तिशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने के बावजूद भी धन के मामले में एंजेला बेहद सामान्य है। शक्तिशाली शख्सियतों में सबसे अधिक अगर हम बात करें नेटवर्थ संपत्ति की, तो वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। 2597 अरब रुपये है रूस के राष्ट्रपति की संपत्ति। अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नेटवर्थ संपत्ति की बात करें तो ये है 1649 अरब रुपये। वहीं एंजेलो मर्केल की संपत्ति नेटवर्थ महज 74 करोड़ रुपये। इसमें एंजेला का घर और गाड़ी भी शामिल है। वहीं अगर
हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की संपत्ति की बात करें, चल और अचल संपत्ति दोनों मिलाकर नरेंद्र मोदी की है महज 2.51 करोड़ रुपए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।